राजस्थान में 25 नवंबर को चुनाव होने जा रहे हैं जी, जिस तरीके से कांग्रेस के पूरे 5 साल हो चुके हैं, जो योजनाएं कांग्रेस लाई है उन योजनाओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे चिरंजीवी है, राइट टू हेल्थ है, ओल्ड पेंशन है, ठीक है, योजनाएं अच्छी हैं, बढ़िया है योजनाएं, लेकिन कानून व्यवस्था बहुत ही खराब है। किस तरीके की कानून व्यवस्था खराब है? जिस तरह से आप देख रहे हो कि परसों ही दौसा में एक रेप हुआ है, एक इंस्पेक्टर एक थानेदार ही रेप करता है 5 साल की बच्ची का, लेकिन उस एसआई को तो जो है तुरंत ही सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड करने से क्या होगा? आपको व्यवस्था पहले ठीक बनानी चाहिए, कानून को इतना कड़क करना चाहिए कि कोई किसी बच्ची का रेप नहीं होना चाहिए। किस तरीके से जो है कानून में बदलाव चाहिए? बदलाव तो अभी किस तरह से लाए, सरकार जो आएगी वो लाएगी बदलाव, और राजस्थान चाहता है कि बदलाव हो। तो गहलोत साहब तो कहते हैं कि हमने बहुत बदलाव करा, हमने कानून बदलाव किस चीज़ में बदलाव किया है? हमने कानून खाली घोषणाएं करने से बदलाव खाली घोषणाएं करने से बदलाव नहीं होता है। घोषणा तो जब इलेक्शन से पहले आप 3 महीने 4 महीने पहले घोषणाएं करते हो, उससे बदलाव हो जाता है। बदलाव जनता के अंदर महसूस होना चाहिए, जनता को लगना चाहिए वाकई में कुछ बदलाव हुआ है। चिरंजीवी योजना थी, पहले थी 5 लाख की थी, अब वो 5 लाख की योजना ही लोगों तक नहीं पहुंची, आप उसको 25 लाख ही कैसे करोगे? 25 लाख आप अनाउंसमेंट कर देते हो लेकिन वो लोगों तक पहुँचे तो सही। वो तो कहते हैं कि राजस्थान की करोड़ों आवाम ने जो है चिरंजीवी का फायदा उठाया है, हमने ओल्ड पेंशन योजनाएँ दी हैं उन लोगों को। जो आंकड़े हैं भैया, आंकड़े हैं, करोड़ों बताते हैं, अब हकीकत जमीन पे क्या है वो देखना जरूरी है ना। तो मैं भी बता देता हूँ, करोड़ों लोगों को करोड़ों रुपए मिले, किसको मिले? आपको मिले क्या कभी? आपकी चिरंजीवी योजना आपने कभी यूज़ की है क्या? हाँ तो नहीं, नहीं की, नहीं की, तो फिर आप कैसे बता सकते हो मिला? अब ये तो नेताओं की बातें हैं, तो कुछ भी अनाउंसमेंट कर देते हैं सरकार आने से पहले या सरकार बनाने से पहले। हकीकत जो आम जनता है वो दुखी है। काम तो अच्छा कर रहे हैं, बाकी मैं तो दोनों पार्टियों से नाखुश हूँ कि वोट लेने आते हैं और हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए कुछ नहीं सोचते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि इस बार हनुमान बेनीवाल को चांस दिया जाए, क्योंकि विकल्प बहुत ज़रूरी है राजस्थान में, क्योंकि हम लोग इनसे परेशान हैं दोनों पार्टियों से, और हमारे हित में कोई काम नहीं करता है, और हम तो ये चाहेंगे हनुमान बेनीवाल को सपोर्ट करें। क्योंकि तीसरा गहलोत साहब तो कह रहे हैं कि हमने बहुत काम कराया, हमने चिरंजीवी योजनाएं लाए, हम ओल्ड पेंशन योजनाएं लाए, हम राइट टू हेल्थ लाए, नहीं काम जनता के लिए काम करा, नहीं नो डाउट काम करा है, पर हम विकल्प चाहते हैं इस बार भी। तीसरा, किस तरीके का विकल्प चाहते हो? जैसे कोई आके एजुकेशन पे बात करे, मुद्दे पे बात करे, हम लोगों की परेशानियों को दूर करे, इन चीज़ों पे। एजुकेशन पे तो गहलोत साहब ने भी काम कराया, ये जो है सरकारी स्कूलों को भी इंग्लिश मीडियम में लाए गए गांधी योजना के तहत, फिर भी हम विकल्प चाहते हैं। विकल्प चाहते हैं तो हाँ। मतलब जो है ना, आप कांग्रेस के सपोर्ट में चाहते हो ना, बीजेपी का सपोर्ट चाहते हो, मतलब आप और नई पार्टी बनाना चाहते हो राजस्थान में? ये हाँ, उसके अंत में हम। लेकिन राजस्थान का तो इतिहास रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी के अलावा कभी कोई हुकूमत नहीं बना पाया। अब देखते हैं अगले आने वाले इलेक्शन में क्या होता है, बाकी मौका सबको दिया जाए, एक बार सबको सबकी राय लेके काम करना चाहिए इस पे, और जितना भी हो सके कि हनुमान बेनीवाल को सपोर्ट करें। हनुमान बेनीवाल तो खुद 20 सीटों से लड़ रहे हैं, तो वो कहाँ से सरकार बना पाएंगे? अब इसके लिए तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है, 20 सीटों पर लड़ रहे तो फिर क्या दिक्कत है? फिर तो हम कांग्रेस को ही सपोर्ट करेंगे। कांग्रेस को क्यों सपोर्ट करेंगे? क्योंकि हेल्थ, एजुकेशन सब पे बढ़िया काम कर रहे हैं। बीजेपी भी बोल रही है कि हम जो है भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, हम एजुकेशन को बढ़ावा देंगे, जो अच्छा काम करेगा वोट उसी को ही मिलेगा। तो कांग्रेस का तो आपने काम देखा है, तो आप किसको वोट करना चाहेंगे? देखो हमारे क्षेत्र से हम तो जो जिसको वोट देते हैं प्रताप सिंह खाचरियावास को, वो हमारे लिए काम करते हैं, हमारे को सपोर्ट करते हैं, और एजुकेशन पे, इन पे सब चीज़ों पे अच्छा काम करते हैं, वही उनको ही वापस लाना चाहेंगे हम सिविल लाइन क्षेत्र से। ये सिर्फ लास्ट का जो सीज़न होता है ना, ये सिर्फ उसमें दिखाने के लिए करते हैं कि हाँ हम आपके लिए ये कर रहे हैं। जैसे इन्होंने कुछ लास्ट में रोड वगैरह जैसे अभी बन रहे हैं, इन्होंने इसके लिए किया, इससे पहले वो खड्डे ही पड़े हुए थे, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जो भी हो रहा है किसी कुछ नहीं देख रहे थे। इससे पहले कोई कंप्लेंट जा रही थी, कुछ भी हो रहा था, लेकिन मैं खुद जिस सोसाइटी में रहता हूँ, हमने खूब कंप्लेंट्स किए, सब कुछ किया है, कुछ नहीं हुआ उस टाइम। लेकिन लास्ट के जब चुनाव होने के लिए टाइम पे आता है ना, तो उस टाइम बोल रहे हैं कि हम ये भी करवा देंगे, आपके रोड बनवा देंगे, हम ये करो, रोड बने मेरे यहाँ पे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे बने, अभी बने हैं, जो अभी बन रहे हैं इस मंथ में, लास्ट अभी तक चल ही रहेगा काम इनका, वो बस सिर्फ लास्ट मंथ में। गहलोत साहब तो कहते हैं जो हमने पूरे 5 साल विकास कराया है, हमने जो है नहीं, मेडिकल योजनाओं में बदलाव कराया है, मेडिकल योजनाओं को मजबूत करा है, कानून व्यवस्था को मजबूत करा है। मेरे ख्याल से मेडिकल व्यवस्था में मैं मानता हूँ, इन्होंने जैसे कि शुरुआत में इन्होंने किया था, ये कौन सी योजना लेके आए थे? वो चिरंजीवी लेके आए थे। चिरंजीवी के लिए मैं बोलता हूँ ये इन्होंने अच्छा किया था, ये गरीबों के लिए एक अच्छा किया, चिरंजीवी के साथ वो राइट टू हेल्थ भी लाए, वो लेके आए, ये चीज़ इन्होंने अच्छी की है, इसके लिए मैं बोलता हूँ सिर्फ एक यही चीज़ की, इसके अलावा और कोई नहीं किया मेरे ख्याल से। अब
वो जो सात गारंटियां भी अभी जो है उन्होंने चुनाव से कुछ टाइम पहले अनाउंस कराया कि हम अगर दोबारा हुकूमत में आते तो ये सात गारंटियां तुरंत जो है ये देखो बोलने के लिए होते हैं सर, ये चुनाव के टाइम पे जो भी होता है ना सब ये बोलने के लिए होते हैं, लास्ट मोमेंट पे जो कुछ बोलते हैं ना वो बोलने के लिए होते हैं, करने करके दिखाओ। चिरंजीवी के लिए मैं बोलता हूँ हाँ अच्छा किया, वो अच्छा किया था, सिर्फ एक वो ही अच्छा तो किया, मतलब कुछ काम से अच्छे लगे हैं वो एक अच्छा लगा है वो जो गरीबों के लिए। मैं चिरंजीवी में नहीं हूँ, मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, मैं उसका पार्ट भी नहीं हूँ अभी तक, इसका कोई पार्ट मैं अभी तक मैंने ना यूज़ किया है ना मैं उसका पार्ट हुआ हूँ अभी तक, लेकिन जितने लोगों से सुना है वो मेरे ख्याल से अच्छा किया है इन्होंने, सिर्फ एक वही चीज़। हाँ ये तो योजना सब बढ़िया है, ये योजना हाँ के बारे में लाभ मिल रहा है, सबको लाभ मिल रहा है ना, इनको सबको लाभ मिल रहा है, हाँ सबको लाभ मिल रहा है, लाभ मिल रहा है वैसे असर भाई। एक तो देखो जो बीमा करा है उसका हॉस्पिटलाइजेशन का बहुत फ़ायदा मिल रहा है, पेंशन योजना चल रही है उसका भी फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है। अब ये तो क्या राजनेता एक दूसरे को बस राजनीति चलाते हैं, लेकिन वो बीजेपी का तो कहना है कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं, वो तो हर पार्टी ये कहती है भ्रष्टाचार, हर आदमी गंदा है ऐसे अंदर से भाई, आप बोलोगे मैं आप साफ हो या मैं साफ हूँ, साफ कोई नहीं है। जैसे जो है अभी मोदी जी भी आए थे, मोदी जी ने अपने भाषण में कहते हैं कांग्रेस की हुकूमत रही तो कन्हैया लाल जैसे कांड हुए हैं, कांड तो सभी करते हैं ना, राजनेता तो सभी करते हैं, इंसान अपन थोड़ी करते हैं, अपन तो पिसते हैं बस खाली। तो आप किस किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं राजस्थान में? देखो कांग्रेस की तो नहीं बनना चाहते, बने तो बीजेपी की, क्योंकि टाइम मिलना चाहिए सबको, क्योंकि एक को सबको मिल जाएगा ना भरपेट कि हाँ भाई मेरे को मिल रहा है, और पाँच साल हो गया तो पाँच साल उसको भी दे, हाँ मतलब बटना चाहिए। आपका कहने का मतलब ये सरकार बदल बदल कर आएगी, बदल बदल गए जब ही तो पता लगेगा कि हम विकास जब ही होगा, नहीं तो क्या होगा कि दस साल एक ही आदमी काम करे तो वो हो जाएगा